क्या आप लोगों को लगता है कि बाहुबली का कोई रिकॉर्ड तोड़ सकता है या बाहुबली जैसे कभी कोई फिल्म बन पाएगा? तो देखो यार, बाहुबली का रिकॉर्ड कोई तोड़े या ना तोड़े, बट आज मैंने देखा चियान विक्रम का आने वाला फिल्म पोनियन सेल्वन पार्ट 1 का टीजर, जो बाहुबली को कहीं ना कहीं टक्कर दे सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोनियन सेल्वन के टीजर के बारे में। तो टीजर में कुछ नया देखने को तो नहीं मिला है, बट टीजर काफ़ी अच्छा था और इस फिल्म में VFX का भी यूज होने वाला है, जिसका VFX भी काफ़ी कमाल का है। और ठीक उसी तरह इस फिल्म का भी कास्टिंग काफ़ी कमाल का होने वाला है। इस फिल्म में बॉलीवुड से ऐश्वर्या राय बच्चन भी नज़र आने वाली हैं, जो अभी भी काफ़ी यंग लग रही हैं। और साथ ही इस फिल्म में ज्याम रावी और कार्थी जैसे साउथ के बड़े एक्टर नज़र आने वाले हैं। ये फिल्म एक हिस्टोरिकल फिक्शन ड्रामा फिल्म होने वाला है, जो बाहुबली को याद जरूर दिला सकता है या हो सकता है बाहुबली का रिकॉर्ड भी तोड़ दें। अगर यहीं इस फिल्म के बजट के बारे में बात करें तो टोटल 500 करोड़ का होने वाला है, जो इंडिया में 2.0 के बाद मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म बनने जा रहा है। इतना बजट तो बाहुबली के दोनों फिल्म को मिलाकर भी नहीं होगा, क्योंकि बाहुबली फ्रेंचाइज का अगर हम दोनों फिल्म को मिलाकर बात करें तो टोटल 430 करोड़ के लगभग में बना था। देखो, मैं मानता हूँ कि किसी भी फिल्म को बजट से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिल्म में दम होगा तो अपने आप फिल्म चली जाएगा। तो PS1 बेसिकली तमिल क्लासिक नॉवेल पर बेस्ड है, जिसे लिखा है कालके कृष्णमूर्ति जी ने, और इस फिल्म को बनाने जा रहे मणिरत्नम जी, जिन्होंने अभी तक बॉलीवुड और साउथ दोनों मिलाकर 26 फिल्मों में डायरेक्ट कर चुके हैं। बाकी ये फिल्म आने के बाद ही पता चलेगा कि बाहुबली को टक्कर दे सकता है या नाम के लिए 500 करोड़ का बजट रखा गया है। दोस्तों, अगर आपको भी 500 करोड़ का लॉटरी जीतना है तो अभी डाउनलोड। लेकिन एक मिनट, मुझे तो कोई इन स्पॉन्सर से मिला ही नहीं है। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? बाकी आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा ना भी लगा हो तो भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।